हेलो एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अभी मैं सीजीवी एक एरिया है वहाँ पे आया था डिलीवरी करने के लिए, मतलब देने के लिए, और एयरपोर्ट से निकला था मैं ऑर्डर लेके। तो सोचा कि एक टॉपिक था मेरे मन में बहुत दिन से कि इस पर मैं वीडियो बना दूँ, तो इसी पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड फॉलो मी इंस्टाग्राम कमल कुआ 2009। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी आपने क्वेश्चन पूछना होगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो एंड मैं आपको फॉलो कर रिप्लाई कर दूंगा उस पर। अब जो रियलिटी होती है ना दोस्तों यूट्यूबर्स की, वीडियो में आते हैं, बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हमें वीडियो देखने में अच्छा लगता है कि हाँ भी यार क्या जेन्युइन बंदा है, क्या पर्सनैलिटी है, क्या अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन वही आप जब उनको मैसेज करते हो किसी चीज़ के लिए, तो आपको भाई रिप्लाई नहीं करते जल्दी। तो मैंने दो चार बंदों को मैंने मैसेज किया था। एक बंदा पॉपुलर बहुत है पुर्तगाल में, उसका वीज़ा लगा था यूके का। तो मुझे चाहिए क्या था, मुझे कवर लेटर चाहिए था, मुझे देखना था कि कवर लेटर में उसने किया, क्योंकि उसका वीज़ा लग गया था। ऑब्वियसली है कि जब किसी का वीज़ा लगता है तो आप ना इच्छुक होते हो कि उसका कवर लेटर उसने कैसे बनाया होगा, क्या उसने ऐड किया होगा, है ना। तो जाना कुछ भी नहीं है, कवर लेटर उसका ऑलरेडी बना हुआ है। मैंने उससे रिक्वेस्ट किया, मैं कहा यार मुझे ना कवर लेटर चाहिए था जो आपने जब अप्लाई किया था वीज़ा के लिए। तो अगले का मुझे मैसेज किया आया कि 15 यूरो फलाना अकाउंट में डाल दो, चाहे रेवोल्यूट से कर दो, चाहे मेरे अकाउंट में डाल दो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, फिर बात करेंगे इसके बारे में। और वीडियो में तो चुपड़ी चुपड़ी बातें कर रहा था कि किसी को कवर लेटर चाहिए होगा तो मुझे मैसेज कर देना, आपको मैं दे दूँगा, ये है वो है फलाना। तो खुश हो गया, कहने का मतलब है सिर्फ वीडियो तक ही वो सीमित था, वो कि बस मेन था पैसे, पैसे अगर दोगे तब जाके आगे प्रोसेस होगा। और आपको बता दूं, मैं जब मेरा वीज़ा लगा था, मेरे से कितने लोगों ने मेरा कवर लेटर मांगा था, मैंने कितने लोगों को कवर लेटर दिया। मैं व्हाट्सएप नंबर सेंड करता था, किसी को व्हाट्सएप में किया, किसी को मैंने इंस्टाग्राम पे किया। दोस्तों अगर कोई चीज़ आपके पास आ जाती है ना, तो उसका दुरुपयोग मत करो कभी भी। मतलब अगर भगवान ने आपको किसी काबिल बनाया है तो यार लोगों की भी हेल्प कर दो ना यार। अब क्या जा रहा है बताओ, 15 यूरो लेके तुम कौन सा 30 मार खा बन जाओगे या कोठी पहन पालोगे आप बताओ। और दो चार यूट्यूबर और हैं बहुत फेमस हैं, वीडियो आते हैं कहते हैं 5000 मुझे दो, मैं आपका ये काम करवा दूँगा, वो करवा दूँगा, वीडियो में देखा मैंने। और दो चार भाइये थे, हरियाणा से था एक, राजस्थान से था, तो मुझे बोलता है इसका नाम लेके, उस बंदे ने मेरे से CV और कवर लेटर बनाने के नाम पे मुझसे 3000 लिए, किसी से 4000 लिए, तो आप मेरे पैसे दिलवा दो। दोस्तों ये इस काम के लिए मुझे आप कभी मत बोलो कि मैं पैसे दिलवा दूँ, मैं कैसे पैसे दिलवा सकता हूँ बताओ। ऐसा तो है नहीं कि मेरा रिप्लाई कर देगा वो। और आपने पैसे जब उसको दिए, कुछ ना कुछ सोच के दिया होगा ना आप ऐसे CV के लिए। यार बताओ, CV तो कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं। CV बनाना है आपने तो आपको गूगल में जाओ, सर्च करो जो यूरोपियन CV होता है, ठीक है, उसके टाइप का फॉर्मेट आपको सेम टू सेम मिल जाएगा। यूरोपास लिखो, ठीक है, गूगल में जाके आपको सेम टू सेम वैसा CV आपको मिल जाएगा, बस आपने एडिट करना है। अगर आपको एडिट करना भी नहीं आता है, आप जाओ सीधे साइबर कैफ़े में जाओ, ठीक है, उसको सारा फॉर्मेट दे दो, वो फॉर्मेट बना देगा आपको। मैक्सिमम कितना, 1 घंटे के 20 रुपये या 30 रुपये होते हैं इंडिया में साइबर कैफ़े के, इतने में बहुत इजी हो जाएगा। मतलब कंफर्ट लेवल जोन में मत बैठने की कोशिश करो कि यार मैं बैठे बैठे सारे काम करवा लूँ, खुद हाथ पैर लगाओ, हाथ पैर जोड़ते रहो, हाथ पैर करते रहो, मतलब चलाते रहो, कहने का मतलब है मोटा मोटा, बैठे बैठे नहीं होने वाला है, ठीक है। इन चक्करों में मत पड़ो कि CV मेरा बना दो, ठीक है, सारा कुछ आपको पता है, आपने आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, वही चीज़ आपने उन लोगों को देना है, ठीक है, वही आपसे 3000-3500 ले रहे हैं कवर लेटर के, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये है कि जो पैसे हैं वो आपके आपको ही वापस लेने हैं, कैसे लेने हैं आप ये जानो। मुझे इस काम के लिए मत बोलो कभी, क्योंकि मैं आपके पैसे दिलवा नहीं सकता हूँ। और हर यूट्यूब के मैंने देखे हैं, पुर्तगाल में हैं 3-4 यूट्यूबर्स हैं, मैंने दो से मेरी बात हुई थी, तो पहली बात तो मैसेज ही उसका 10 दिन बाद आ गया था रिप्लाई उसका, और सॉरी मैं बिज़ी था करके, है ना भाई। जितना मर्जी बंदा बिज़ी हो अपने काम में, जितना मर्जी बिज़ी हो, रात को सोने तो घर पे आता है ना, ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे काम करता रहता है, ठीक है, 24 घंटे कोई बंदा काम तो कर ही नहीं सकता पहली बात, ठीक
ठीक है, जितना मर्ज़ी बंदा बिज़ी होगा कुछ ना कुछ समय अपने लिए निकालता है, जब वो खाना खा रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, उस समय आके बंदा रिप्लाई देता है। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, डे में जब मेरे पास कुछ ऑर्डर वगैरह होते नहीं है तो मैं तभी रिप्लाई कर देता हूँ, नहीं तो शाम को रिप्लाई करना ही होता है। मैंने किसी को तो साथ साथ में रिप्लाई होते रहते हैं, तो ऐसे लोगों से बच के जो YouTube में आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फेंकते हैं, लंबी लंबी चौड़ी फेंकते हैं कि मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, और कुछ चाहिए तो हेल्प चाहिए तो ले लेना मेरे से, मैं छोड़ते रहते हैं। क्योंकि हर यूट्यूबर कमाने के लिए बैठा हुआ है, हर बंदा कमाने के लिए बैठा हुआ है किसी न किसी तरीके से, चाहे वो मैसेज के रिप्लाई करने से पैसे कमाए। और बहुत सारे लोग हैं जो पैसा दे के रिप्लाई भी लेते होते हैं, क्योंकि लोगों का आता है वीज़ा रिफ्यूज़, लोगों को लगता है कि फलाना बंदे को सारा पता है नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगले को मैसेज करते हो सर मेरा रिफ्यूज़ हो गया, मुझे अब क्या करना चाहिए, ओके 15 यूरो डाल दो। वो बंदा बोलता है यार जहाँ इतने पैसे लग गए हैं 15 यूरो और सही, ठीक है, देनी उसने एडवाइस ही है आपको। ये ऐसा नहीं है कि आपको कुछ वीज़ा लगवा के देगा, आपको कुछ नई स्कीम बता देगा, सिर्फ आपको एडवाइस देगा। जो आपको एडवाइस गूगल में मिल जाएगी, वो एडवाइस वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए वो सारा गूगल में मिल जाएगा आपको, लेकिन आप पैसे दे देते हो। तो यही था कि बच के दोस्तों अपने पैसे जो है मेहनत के पैसे किसी को मत दो ऐसे बिना मतलब में। और जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हाँ भी इतने में UK का वीज़ा मिल रहा है ऐसे है वैसे, उसके पास कोई वो खुद कंसल्टेंसी नहीं है। जब वो वीडियो बना रहा होता है तो लिखा होता है मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे लिखे होते हैं कि मैं कोई एजेंट वगैरह नहीं हूँ, लेकिन वो ऐसे बोल रहा है 35,000 है 40,000 है, सिर्फ और सिर्फ व्यू के चक्कर में। व्यू बढ़ेंगे उसकी अर्निंग होगी, क्योंकि मोनेटाइज तो हो रखा है चैनल ऑलरेडी, ठीक है, अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, लेकिन व्यू के चक्कर में लोग ऐसे करते होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, थैंक यू सो मच।